तो सेकंड पार्ट शुरू, और अब हम जा रहे हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? हॉर्नबिल पॉइंट है, बारह तुड़े। तो जो बारह हॉर्नबिल हैं सब उधर ही हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग है, अभी तो बहुत अलग अलग है। अच्छा, तो जिधर जा रहे हैं उधर कितने हैं? एक दो है, दो पेयर हैं उधर। तो हम जा रहे हैं रूफस नेक हॉर्नबिल के नेस्ट के एरिया में। हम लोगों का ट्रैकिंग चालू हो गया हॉर्नबिल के लिए। लापंचर विलेज से कितना नीचे? 200-300 मीटर नीचे जाना है। 200-300 मीटर वहाँ महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उतरेंगे हम लोग। वो तेरी इतना बड़ा क्या होम स्टे बन रहा है ये? यहाँ से करना शुरू। जंगल के अंदर इतना जूता स्लिप हो रहा है मेरा, पता नहीं काई की वजह से पसीना पसीना हो गए। उमस गंदी वाली। कितना ऊपर है उस पर डिपेंड करेगा। ऊपर नहीं, ऐसे लास्ट में है ग्राउंड पे। अरे वाह, फिर तो बनेगी। हॉर्नबिल का नेस्ट यहाँ पे ग्राउंड पे है। रूफस नेक्ड हॉर्नबिल। वो ये कौन सा स्पाइडर है? रंग बिरंगा है। ये क्या चीज है? ये क्या ले जा रहे हैं? मोला बोलते हैं, डेकोरेशन के काम आते हैं। अच्छा, ये वाली घास है? हाँ, ये वाली घास। अच्छा, कहाँ? घर में लगाते हैं? शादी वगैरह में, फंक्शन में। ओके, बाहर जाता है ये।
क्या बात है, डेकोरेशन के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हो भैया। सही है, तो जो बुके वगैरह में लगती है घास, देखिए यहाँ पे कितनी सारी है, वो किस तरह मेहनत करके ले जा रहे हैं। मेल हॉर्नबिल की, वो मेल हॉर्नबिल का वेट कर रहा है। Such a tricky trekking, we reached hornbill nest. इतनी मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हम हॉर्नबिल नेस्ट पहुँचे। रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, और क्या मस्त पिक्स आई हैं मेल की, वो सामने उसका नेस्ट। और बहुत तेज़ बारिश होने लगी है अचानक से, बिकॉज वी आर इन रेन फॉरेस्ट, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है वो दोबारा है। बहुत ही मस्त पिक्चर्स आई हैं, और एक वीडियो भी बनाई है छोटी सी, उसके नेस्ट में वो खाना देने आया था मेल फीमेल को। वो सामने नेस्ट है बिल्कुल हाई लेंथ पे, ज़बरदस्त, क्या मस्त एक्सपीरियंस था। अभी हम वेट कर रहे हैं, बारिश भी शुरू हो गई है, देखते हैं दोबारा आता है कि नहीं। अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, ना ज़बरदस्त ट्रैकिंग के बाद क्या मस्त एक्सपीरियंस हुआ। फीमेल ही खाली चोच दिखती है, और मेल पूरा आता है बाहर बैठते हैं नेस्ट पे खाना देने के लिए। ज़बरदस्त, पूरी मेहनत सफल। तेज बारिश शुरू हो गई अचानक से, सही टाइम था जब हम बैठ गए थे और हॉर्नबिल देख लिया था। पूरा रेन फॉरेस्ट, ये नाइन जी बैठे छाता लेके। फाइनली आफ्टर सक्सेसफुल हॉर्नबिल फाइटिंग,
जबरदस्त बारिश में हम वापस जा रहे हैं। रेनकोट भी काम आ गया। बिल्कुल सीधी चढ़ाई, हालत खराब हुई। हर 10 मीटर पे बुरी हालत हो रही है, पूरा भीगा हुआ। चारों तरफ नेचर ही नेचर। और ये देखिए, इस जंगल में गया था जो अब दिख ही नहीं रहा, पूरा बादलों से ढका हुआ। खाली 1 किलोमीटर है या थोड़ा ज़्यादा उससे आना जाना, और ऐसी बुरी हालत होती है। एक तो उमस, ऊपर से फिसलन, और वापस आते वक्त तो सीधी चढ़ाई। बट जो देखने को मिला, इट्स ऑल वर्थ इट, इट्स ऑल वर्थ इट, नो पेन नो गेन। सी पूरा बादलों से ढक गया। और फाइनली हम आ गए वापस ट्रैक से, और आ गई हमारी गाड़ी। किलोमीटर 1.35 किलोमीटर, 142 भाई साहब हार्ट बीट। व्हाट अ सक्सेसफुल ट्रैक, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, और हॉर्नबिल जबरदस्त।